subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों अगर आप भी किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड इजीली तरीके से प्रॉपर तरीके से स्मूथ तरीके से दोस्तों चेंज करना चाहते हो या फिर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को इस प्रॉब्लम का सलूशन भी बताने वाला हूं। और आज की बात दोस्तों आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड सिर्फ एक ही क्लिक से चेंज कर पाओगे, पर प्रॉपर तरीके से किस तरह आप चेंज कर सकते हो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को ये कंप्लीट बताने वाला हूं। सो वीडियो को यार कहीं पर भी मिस ना करें, वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन, आप देख रहे हो टेक्निकल स्माइल के एक और न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। तो प्यारे दोस्तों आपके एक लाइक करने से कुछ जाने वाला नहीं है, आपके भाई का थोड़ा फायदा हो जाएगा। अभी से वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक की मदद से दोस्तों आप जस्ट वन क्लिक की मदद से आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड तो चेंज कर पाओगे, पर दोस्तों आपका जो बैकग्राउंड है वो इतना स्मूथ तरीके से चेंज होगा कि किसी को भी यार पता नहीं चलेगा कि भाई ने ये किसी एडिटिंग एप्लीकेशन से चेंज किया हुआ है। सो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा कैपकार्ट का, उसको आपने डाउनलोड कर देना है। अगर आपके पास ये वर्क ना करे बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन, तो आपने प्ले स्टोर पर जाके दोस्तों आपने इसको अपडेट कर देना है। प्ले स्टोर से दोस्तों आपने इसको अपडेट कर, जैसे आप इसको अपडेट कर लेते हो तो ये आपके पास वर्क करेगा। उसके बाद दोस्तों आपने सिंपल सा इसको आपने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों ये आपके पास ओपन हो चुका है, न्यू प्रोजेक्ट पे आपने आराम से जाना है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो भी बैकग्राउंड आप वीडियो में लगाना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को, इस बैकग्राउंड को मैं लगाना चाहता हूँ, इस बैकग्राउंड को आपने इंपोर्ट कर देना है दोस्तों कैपकार्ट में। कैपकार्ट में इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों आपने अपनी ही मर्जी से दोस्तों जो भी है ना आपका जो बैक में लोगो आ रहा है इसको पहले आपने डिलीट कर देना है, सॉरी इसको आपने हमने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों इस यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड अब आ चुका है। अब यहाँ पर हमने टिकटॉक वाला दोस्तों बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना है और इसको दोस्तों बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद दोस्तों जो भी वीडियो आप लगाना चाहो तो उस वीडियो को आपने इंसर्ट कर देनी है। पर याद रहे दोस्तों, पहले इस बैकग्राउंड पे आपने क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने फिल्टर्स में जाना है, सॉरी फिल्टर्स में जाने के बाद एडजस्टमेंट पर जाना है, कंट्रास्ट को दोस्तों आपने बढ़ा देना है, ठीक है दोस्तों, ताकि जो आपका बैकग्राउंड है वो अच्छी तरीके से क्लियर तरीके से नज़र भी आ जाए। उसके बाद दोस्तों जैसे बैकग्राउंड हमारा अच्छा हो गया है, अब हमने बैक जाना है और यहाँ से दोस्तों आपने और ले पे जाना है। अब जो भी वीडियो का बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हो, जिस भी वीडियो पर बैकग्राउंड लगाना चाहो तो उस वीडियो को दोस्तों आपने इंसर्ट कर देना है। इसी तरीके से इंसर्ट करने के बाद दोस्तों आपने इस वीडियो पर क्लिक कर देना है और इसको भी दोस्तों आपने बड़ा साइज़ में कर देना है अपने ही वीडियो के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों आपने जाना है रिमूव बैकग्राउंड पर और दोस्तों आपने थोड़ा सा वेट कर देना है, जब तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता तब तक आपने वेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो इतनी आसानी से, इतनी ही इजी तरीके से दोस्तों आपका बैकग्राउंड कितना अच्छा सा यहाँ पर आ चुका है, जिसको भी पता नहीं चलता कि भाई ने किस तरह एडिटिंग की है इसमें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।